जब भी आपका दिल करे कुछ टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार खाने का तो बनाएंगे कीमा नान। और इस कीमा नान को आप अवतार में बना सकते हैं, सेरे में बना सकते हैं। पहले से डो तैयार कर लें, कीमा तैयार कर लें और बस फटाफट से कीमा नान बनके गर्मा गर्म तैयार हो जाएगी। तो कीमा नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो ड्राई ईस्ट होती है ना उसको एक्टिवेट करना है। तो ये मैंने 1.5 चम्मच शक्कर ले ली है और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ड्राई ईस्ट। अब डालेंगे इसमें हल्का गुनगुना हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से एक्टिव हो गई है, अच्छे से ये फूल गए, ये देखिए इस तरह से। अगर इस तरह से आपकी ईस्ट हो जाए ना तो मतलब इसका एकदम परफेक्ट है। अब डालेंगे इसमें मैदा। तो 2 कप भर के मैंने मैदा ले लिया है। साथ में ही डाल देंगे नमक और 1 चुटकी के बराबर डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर। और बिल्कुल 2 चम्मच के बराबर डालेंगे हम इसमें दही और 2 छोटे चम्मच के बराबर डालेंगे इसमें ऑयल। और अब ये मैंने दूध ले लिया है तो थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको बिल्कुल डो बना लेंगे, डो तैयार कर लेंगे इसका। तो अभी मैंने 2 चम्मच के बराबर ही दूध डाला है इसमें। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब 2-3 बूंद इसमें ऑयल लगा के इसको 1-2 बार और इस तरह से मसल लेंगे। 1-2 बूंद ऑयल और ऊपर से लगा देंगे। बस अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से राइस हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए कीमा तैयार कर लेंगे। तो ये मेरे 2 ग्राम कीमा ले लिया है, अच्छा बारीक कीमा लिया है मैंने। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर ऑयल और अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमे को 1 मिनट तक के लिए हम इसे भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ। और डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच नमक। तो ये देखिए इसको भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, कीमे का कलर चेंज हो गया है, कीमे ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। वो ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट ढककर पका लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। कीमा हमारा हल्का सा गल गया है। अब हम चलाते हुए 1 मिनट इसको भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से मैश करते हुए भून लिया है, तो ये बिल्कुल अलग अलग हो गया है। और हमने कीमा बिल्कुल बारीक वाला लिया है ताकि ये जल्दी से गल जाए। अब डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हम गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच ही डालेंगे इसमें पिसी लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारे मसाले कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैंने एक बड़ा साइज का प्याज ले लिया है बारीक काट के, 2-3 हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 मुट्ठी धनिया ले लिया है बारीक काट के। तो इन सबको भी कीमे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको 1-2 मिनट कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो प्याज है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तैयार हो गया है हमारा कीमा। कीमे को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब हम हमारा डो भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा राइज हो गया है, अच्छे से फूल गया है ये। अब हम इसकी जो एयर है ना उसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है ना इसमें। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है, बस 1-2 बार और इसको इस तरह से मसल लेंगे। तो ये मैंने इसको 1-2 बार और अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। तो इतने डोसे में 3 नान बनाकर तैयार करूँगी। ये मैंने 3 पेड़े काट लिए, इस तरह से हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम सूखा मैदा डालकर इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम कीमे की स्टफिंग। तो अच्छे से ढेर सारी डालेंगे हम। तो देखिए दबाते हुए मैंने अच्छी ढेर सारी स्टफिंग डाल दी है। अब इस तरह से हम उठाकर इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, पलटे देते जाएंगे इसमें, जिस तरह से हम मोमो बनाते हैं ना उस तरह से। और अच्छे से इसको इस तरह से सील कर लेंगे। बस अब हम इसे दबा देंगे सब तरफ से और हल्का सा सूखा मैदा डालकर हम इसे एक बार फिर से बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से इतना बड़ा बेला है और इतना मोटा बेला है। अब हम एक कटोरी से इसपे निशान लगाएंगे। तो मैंने बीच में कटोरी रख दी है और इस तरह से साइडों पे इस पर निशान डाल लेंगे, इससे ये बिल्कुल मार्केट जैसी बाजार जैसी लगेगी। अब हम कटोरी को हटा देंगे और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना इसको हम इस तरह से बेलन से कर देंगे। तो इस तरह से करने से ये बीच में से फूलेगी भी नहीं और अच्छा सा डिज़ाइन भी आ जाएगा इसमें। अब मैंने रख लिया है इसको एक बेकिंग ट्रे पे। अब ये मैंने एक अंडे की जर्दी में 2-3 चम्मच दूध मिलाकर रखा है। अब हम नान के ऊपर लगा देंगे। इसको लगाने से इसका जो कलर है ना वो अच्छा आ जाएगा। अच्छे से सब तरफ लगा देंगे हम। तो ये देखिए सब तरफ लगा दिया है। अब ये मैंने सफ़ेद वाला तेल ले लिया है, तो इस तरह से ऊपर से डाल देंगे इसके। और मैंने ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। बस अब हम इसको ओवन में रख देंगे और हम इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये देखिए मैंने लो रेट पे इसको 20 मिनट के लिए रख दिया है। अब 20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, कितना अच्छा कलर आया है इस पर।
और दूसरी तरफ से भी अच्छा कलर आ गया है इस पर। तैयार हो गई है हमारी नान, तो ये मैंने दो बनाकर तैयार कर लिए और ऊपर से लगा देंगे हम इसके बटर। तो ये देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट जालीदार बनी है और कीमा भी हमारा अच्छे से गल गया है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी नान बनकर तैयार हो गई है।